पठानकोट जिला कांग्रेस की ओर से एक पत्रवार्ता का आयोजन किया गया। इस बैठक में पूर्व विधायक अमित विज मुख्य रूप में मौजूद रहे। इस बैठक में बीते दिनों कांग्रेसी नेत्री सोनिया गांधी को ईडी के सामने सम्मन जारी होने की निंदा की गई। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ईडी का दुरुपयोग कर देश की जनता का ध्यान अपनी लोक मारू नीतियों से हटाना है। उन्होंने केंद्र और पंजाब सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस के राज में लोगों को हर सहूलियत मिलती थी, पर आज समय इतना बुरा है कि लोगों का महंगाई से जीना दुश्वार हो गया है। पठानकोट से लकी सरोज की रिपोर्ट, केआरटी न्यूज नेटवर्क। आज कल तुम जिस तरह पता है कि साढ़े प्रेजिडेंट सोनिया गांधी जी ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ईडी ने समन किया, पहले राहुल जी ने किया सी। असी कल इस प्रोटेस्ट चंडीगढ़ गए सी, अज असी पूरे कांग्रेस ने मिल के यह प्रोटेस्ट जोड़ा है डिस्ट्रिक्ट लैवल पर किया। मेरे नाल MLA साहब ने नरेशपुरी जी, मैं उन्होंने थैंक्स करना, वर्किंग प्रेजिडेंट ने बबली जी और मेयर साहब ने नाल समुची टीम साढ़े नाल है, काउंसलर्स की सारी वर्कर्स की। असी अपनी मैं पहले लोगों को स्पष्ट करना चाहना कि असी अपनी इंडिविजुअल लड़ाई नहीं लड़ रहे और ना ही साढ़े लीडर किसी ईडी कोलों या किसी CBI कोलों या किसी चीज़ कोलों घबराते हैं। यह जेडे असी सारे इकट्ठे होए हैं, असी मैडम करके नहीं होए और मैडम का भी बड़ी क्लैरिटी है। असी एक मैसेज देने वास्ते इकट्ठे होए हैं कि जिस तरीके नाल इंस्टीट्यूशनस नू खत्म किया जा रहा है साढ़े देश विच, चाहे ईडी है चाहे CBI है, इंस्टीट्यूशनस इस करके बनिया सी ताकि जो भी हुकूमत बहन वो कंट्रोल च रहन, वो काम कर सकन, लोगों की सुन सकन। मगर यह इंस्टीट्यूशनस नू खत्म किया जा रहा है और जेडे स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स मतलब जेडे फिगर्स है, मैं कुछ चीज़ अज प्रेस के राही सारों दसना चाहना, वो मुद्दे डाइवर्ट किए जा रहे हैं क्योंकि अगले 1.5 साल 10 स्टेटा इलैक्शन ने और 2.25 साल बाद पार्लीमेंट का इलैक्शन है और मुद्दे इन्ने गंभीर हो गए हैं कि जिदे करके मुद्दे इन्ने गंभीर हो गए हैं जेडे कोई भी टर्न लै सकते हैं। श्रीलंका च असी देखिया कि विदिन देश जिहड़ी सरकार नू लोकी इन्ने जज्बे नाल श्रीलंका च लैके आए सी, उही सरकार नू लोकां ने किस तरह लाया जी। आम आदमी पार्टी नू जिस जज्बे नाल लोग लैके आए सी, 3 महीने च लोगों नू समझ लग गई है, आइडिया भी नाल ही लग जांदा है कि यह काम कर नहीं सकते। मेरे लेट फादर अनिल विज जी डिस्ट्रिक्ट प्रधान भी रहे, कमेटी के भी रहे, वो मैनू किसी टाइम दसते होंगे सी और मेरे सीनियर भी दसते कि लोग पहले 2-3 महीनों से ही समझ ला लेंगे ने कि यह कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आज इन्फ्लेशन जी 7.3% है, 45 साल के टेन्योर नूं देखा जाए तो अनइंप्लॉयमेंट सब तो ज़्यादा अज है 7.8%। उहदा अंदाज़ा इस तरीके तो लगाया जा सकता है कि 36-37 हज़ार नौकरियां निकलियां, रेलवे 1.2 करोड़ यूथ ने अप्लाई किया। अज यूथ की यह हालत हो गई दी है कि एक टेस्ट, 2 टेस्ट, 3 टेस्ट, 4 टेस्ट दे जा रहे हैं, तद तक उन्हां दी उम्र निकल जाती है, फिर अगली बारी टेस्ट भी नहीं अपेयर कर पाते। और यह हालत पहले खराब नहीं हुई जी, 1991 तो लैके 20 साल तक जदों कांग्रेस सरकार सी, लिबरलाइजेशन आई, पॉलिसी च लिबरलाइजेशन आई, लिबरल डेमोक्रेसी सी, ऑटोक्रेसी नहीं सी जो हुण हो रही है। 20 साल असी GDP 7% की ग्रोथ नाल करे, मैं उहदा ही प्रोडक्ट हाँ जी, मैं आपे इंजीनियरिंग करके 99 चों निकलिया सी ते मैनू नौकरी लैण च कोई दिक्कत नहीं सी आई। अज अग्निपथ वर्गी स्कीमां इमेच्योरिटी नाल लैके आईया जा रही हैं जिहदे विच 36 हज़ार हजे इन्हां ने 42 हज़ार कढ़ी हैं, मगर 4 साल वास्ते यूथ नू इंगेज करके 6 महीने की ट्रेनिंग करके उन्हां नू सीधा फौज विच लैके जा रहे हो तुसीं, वो किसा लड़नगे? जे अज फौज साडी खड़ी है तो फौज इस करके खड़ी है क्योंकि उन्हां नू सब तो पहले ट्रेनिंग प्रॉपर मिलती है, दूजी उन्हां नू सिक्योरिटी पूरी मिलती है। अज कोई बंदा अपनी इच्छा नाल बॉर्डर ते मरन जा रहा, अपने लोगों वास्ते अपनी जान देन जा रहा है तो उन्होंने उपर एक सिक्योरिटी होंगी है, अपने बच्चों की, अपनी वाइफ की, अपने परिवार की, पिछों कौन संभालेगा? NDA की कोचिंग होंगी है जी, मेरे भी दोस्त NDA च गए हैं, 4 साल की
रिगरस ट्रेनिंग होंदी है, जान कढ लैंदे ने, उस तो बाद भी बॉर्डर ते नहीं भेजते, उस तो बाद भी 3 साल पीसफुल एरिया च जॉब लगवा के फिर जाके जवान नू बॉर्डर च ऑफिसर नू भेजते ने। इत्थे 6 महीने की ट्रेनिंग, 3.5 साल की नौकरी तो बाद तुसी सिर्फ 25% रिटेन करोगे, 75% तुसी कढ दोगे, 75% कित्थे जाणगे। तो जेड़े 25% भी ट्रेन हो के उत्थे जॉब करनगे, क्या सानू यह सोचना पेगा कि साडा जेड़ा यूथ है उन्हूं असी बॉर्डर ते मरन वास्ते भेजना। यह सारी चीज़ें मैं नहीं कह रहा, तुसी डिबेट सुनो, चाहे मैक्सिमम आर्मी दे रिटायर्ड ईवन जनरल्स वो इस स्कीम नू अपोज कर रहे हैं, ईवन सिटिंग जिन्हें आर्मी दे ऑफिशल्स ने उस स्कीम नू अपोज कर रहे हैं। जिस तरह फॉर्म लॉस कोई डिस्कशन नहीं की, फॉर्म ला लैके साढ़े मत्थे ते बिठाता, फाइनली 1.25 साल बाद वापस लेना पिया। उसी तरीके नाल अग्निपथ च भी कोई कंसल्टेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। तो यह जो इस चीज़ा छुपाने वास्ते मुद्दे डाइवर्ट किए जा रहे हैं। पिछे चीफ जस्टिस ने भी किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सडिशन लॉ नू, उन्होंने कहा जिनी देर तक इनू रीकनसीडर करो उन्नी देर तक सडिशन च कोई चक्कर नहीं, कोई अरैसट नहीं, बेल दो, कल नू कोई पसंद ना आए चुके अंदर पा दो, है कोई तरीका नहीं होया जी। हाँ जे कोर्ट किसी नू हुण जिसे 2G स्कैम का किन्ना रौला पिया सी जी, एक परस्पेक्टिव बनाया गया 2012 विच 13 विच, उस परस्पेक्टिव तो परस्पेक्टिव नू एहोजिहा बना दिता गया कि 2G बहुत वड्डा स्कैम है। तो 2014 च लोगों ने गवर्नमेंट चेंज करती और 2G स्कैम जो कोर्ट ने फाइनल जजमेंट दी सारे बरी हो गए जी, कोई 2G स्कैम नहीं निकलिया, कोई कोलगेट स्कैम नहीं निकलिया। तो यह सारी चीज़ों, चाहे महंगाई है, 7% इनफ्लेशन है, 5% जेडे प्री लेबर, क्योंकि गरीब आदमी आवाज़ कोई चुक ना सके, वो तो दबेगी नहीं, वो तो असं सारे कांग्रेसी मिल के चुकेंगे, क्योंकि प्रिंसीपल ऑपोजिशन पार्टी इंडिया की भी हाँ, तो प्रिंसीपल ऑपोजिशन पार्टी असं पंजाब भी हाँ। हूँ प्री लेबल्ड पैक्ड आइटम्स जी अपना गरीब आदमी वरतद, चाहे वह मिल्क है, चाहे वह मीट है, सारे उपर 5% का उपर इन्होंने GST लगा दिता। ऑलरेडी अनइंप्लॉयमेंट इन्नी है, ऑलरेडी पिंडा में जी इनफ्लेशन 8.01% है, तो एरे जी इनफ्लेशन है शहर 7% है। हूँ आने वाले समय से जी वैजीटेबल गरीब आदमी किस तरह खाएगा, वैजीटेबल की जी इनफ्लेशन पिछे रही है 17% रही है जी। यह सारे मुद्दे डाइवर्ट करने वास्ते, ताकि गरीब आदमी तो समझ बेचारे लगनी नहीं, वो बेचारा की करेगा जी, फ्रूट वैजिटेबल नहीं खा सकेगा तो दालों नाल खा के अपनी आवाज़ तो असी सारे ने चुकनी है ना, सानू दबाया जा रहा है। मैं लोगों को यही रिक्वेस्ट करांगा कि जिन्नी देर तक ब्रिटिशर्स को असी आज़ादी क्यों पाई, क्योंकि असी लिबरल डेमोक्रेसी चाहते सी, असी इंस्टीट्यूशन यहोजी चाहते सी जिदे विच आम आदमी नू उहदा हक मिल सके। असी डिक्टेटरशिप चाइना वांगू नहीं चाहते, मगर आहिस्ता आहिस्ता साडे देश नू डिक्टेटरशिप च लैके जाया जा रहा है। और जे असी सुनना बंद करांगे, क्रिटिसिजम नू सुनांगे नहीं, क्रिटिसिजम नू ए इंस्टीट्यूशनस नू यूज़ करके दबाउण की कोशिश करांगे, तो मैनू लगता कि जिस तरीके नाल डॉलर साडा पैसा 80 रुपये तक पहुँच गया जी, 2000 पिछले 6 महीने 7% रुपया डिगया जी। तो अज जी साड़ी फॉरन एक्सचेंज है जो असी ऑन करने हैं, वो ऑलमोस्ट उस लैवल तक पहुँच गई है कि वो कितने डेफिसिट च ही ना आ जाए। श्रीलंका क्यों डुबिया, क्योंकि फॉरन एक्सचेंज उन्होंने डेफिसिट च आ गई, एक्सपोर्ट घट रहा साडा, पैसे की वैल्यू डिग रही है, क्रूड असी इंपोर्ट करने, फर्टिलाइजर असी इंपोर्ट करने, गैस असी इंपोर्ट करने, गोल्ड असी इंपोर्ट करने, हर इंपोर्टेंट चीज़ असी इंपोर्ट करने, और क्रूड ऑयल फर्टिलाइजर गैस ये बिना साडा जीवन नहीं चल सकता। तो जे असी अपने पैसे नू नहीं बचा पावांगे, जे ए बिल साडा जाके जिहड़ा अज असी 5 लाख करोड़ खर्चने करूड ते, जे 8 लाख करोड़ चला जाएगा तो साडा जे फॉरन एक्सचेंज ही खत्म हो जाएगा, तो असी अपने देश की इकोनमी नू किस तरह संभाल सकांगे। बड़े गंभीर मुद्दे ने, उन्होंने इतने डाइवर्ट किया जा रहा जो असी नहीं होने देवांगे। सवाल एक बहुत वड्डा कि डिक्टेटरशिप वाल जिहड़ा कि केंद्र सरकार वधदी जा रही है, विरोधी धिर दे विच कांग्रेस है, कांग्रेस अपना रोल पूरी तरीके नाल क्यों अदा नहीं कर पा रही कि उन्हें रोकिया जा सके? देखो मैं एक तुहानू गल दसा कि हजे कांग्रेस ही है, सेंटर च भी तुसी देखो कांग्रेस है, कई लोग सानू छड के जा रहे हैं, पठान पंजाब च भी कुछ लोग सानू छड के चले गए,
ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਲੜੇਗਾ। ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਖੜ੍ਹੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਰਨ ਹੋਣਗੇ। ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਟਰੂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ DNA ਉਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਸੀ DNA ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜੀ, ਇਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਟੈਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ DGP ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ, ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਜੀ, ਯਾਦਵ ਜੀ ਨੇ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮਗਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਚਨ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 29 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 52 ਦਿਨ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੋਨੋਂ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਕੋਰੀਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਾਹਰ, ਨਵੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਅਤੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।